कोई वॉर शुरू होती है तो उसकी इंटेंसिटी समझ में आती है। 10 महीनों में जरूर आपने कुछ रीड किया होगा इस वॉर की इंटेंसिटी। 2023 आ गया है, 2022 के 10 महीनों में क्या हुआ आपने बहुत बताया हमारे व्यूअर्स को। 2023 का सर अब आपको क्या दिख रहा है सामने फ्यूचर इस वॉर का? देखिए, जैसे ही 2022 में फरवरी में रशिया ने अपना स्पेशल ऑपरेशन चालू किया, उसकी चार बेसिक डिमांड थी यूक्रेन से, आप लोहांस दोनबास को इंडिपेंडेंस दे दीजिए, आप क्रीमिया को एक्सेप्ट कर लीजिए और आप नेटो को ज्वाइन मत करिए। तो ये उनकी मांग थी जब उन्होंने स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया। स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च करने के बाद वो एडवांस करा उन्होंने, आपने देखा होगा साहब, खबर आ रही 60 किलोमीटर लंबा काफिला कीव की तरफ जा रहा है, खारकीव में भारी जंग चली क्योंकि एक कम्युनिकेशन हब था। तो लड़ाई बढ़ते 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 फाइनली क्या हुआ, रशिया ने ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसको आजाद करके ज़ापोरिज़िया खेरसन को कब्जा करके उसने अपना हिस्सा उसको डिक्लेयर कर दिया और क्रीमिया तो खैर अभी है ही उसके पास। और जो पोर्ट थे आपके ब्लैक सी के पोर्ट खास करके उनको उसने सिक्योर किया। तो अभी की जो जंग चल रही है, रशिया ने जो अपना ऑब्जेक्टिव था, जो पहले उसने डिमांड रखी थी उसको ने अचीव किया। यूक्रेन ने काउंटर अटैक किया, रशिया ने टैक्टिकल विड्रॉल किया, टैक्टिकल विड्रॉल करने के बाद उसने अपना पार्शियल मोबिलाइजेशन करके अपनी नफरी बढ़ाई है, उसने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्मामेंट था उसको इंक्रीज किया, बीच का जो स्टॉप गैप था उसने ईरान नॉर्थ कोरिया वगैरह से असला मंगाया जो उसने पहले उनको दिया था और यहाँ जो ड्रोन्स वगैरह ईरान से लिए। तो अभी आज की अगर सिचुएशन हम देखें, रशिया एक नए विगर के साथ, आप कह रहे हैं रशिया ने अपने आप को रीमोबिलाइज और रीकैलिबर किया इस वॉर के लिए, रीकैलिबर, और वो जो उसने पकड़ लिया है उसको छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। नेगोशिएशन वहीं पर जाके रुकेगी कि जो मैंने पकड़ लिया वो मेरा हो गया, तुम नाटो ज्वाइन नहीं करोगे। तब सवाल यहाँ पर ये है जनरल साहब, मैं आपके पास आता हूँ और अपने दूसरे एक्सपर्ट्स के पास भी आता हूँ, तब सवाल ये है कि बीच का रास्ता कोई है? क्या यूक्रेन झुकेगा? क्या यूक्रेन रूस के साथ कोई शांति समझौता करेगा 2023 में? और जो बाहरी ताकतें यूक्रेन को साथ दे रही है, क्या वो यूक्रेन को ये करने देंगी? आइए आपसे बात करें, उससे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज दिखाना चाहता हूं मैं। ठंड आते ही पहले से ज्यादा आक्रामक हो गई है रूस की फौज, पिछले 4 दिनों से लगातार अटैक हो रहे हैं। पुतिन के प्लान के तहत माइनस टेम्परेचर में यूक्रेन को लाचार बनाना मकसद है, ऐसा लगता है। सर्दियों में यूक्रेनी फौज के लिए लड़ना आसान नहीं होगा, और वो भी तब जब उनके पास संसाधन इतने कम हो रहे हो, जब उनके पास पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कम बच रहा हो, वो जब उनके पास दूसरे देशों से आने वाले संसाधनों में सहायता में मिलिट्री एड में कमी आ रही हो। क्या पुतिन यही प्लान कर रहे हैं कि इन सर्दियों में यूक्रेन का फुल एंड फाइनल करना है? क्या पुतिन यही प्लान कर रहे हैं कि इन सर्दियों में यूक्रेन को बिल्कुल अपने शर्तों पर सरेंडर करवाना है? ये खबर देखिए, नए साल में पुतिन के टारगेट पर कीव, बड़ी खबर, कीव पर कब्जे की तैयारी में है पुतिन की सेना। तो क्या कीव में एक बार फिर रशियन दस्ता हम देखेंगे? क्या वो फिर से एक बड़ा जो हमने काफिला देखा था 60 किलोमीटर लंबा, जिसको बताया गया था कि कीव के मुहाने पर पहुंच गया, वो क्या वो एक बार फिर से देखेंगे हम? क्योंकि बिजली पानी संकट लाना रूसी फौज का प्लान है, ठंड में बिजली संकट से शहर के निवासियों को खतरा है ये बताया जा रहा है। और इसीलिए क्या इस विंटर, क्या इन सर्दियों में पुतिन बिल्कुल इस वॉर को अपने मुताबिक उस मोड़ पर ले आएंगे जहां यूक्रेन के लिए सरेंडर करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा? एक और बड़ी खबर देखिए, कीव के साथ साथ खेरसोन पर भी पुतिन की नजर है। जी हां, वो खेरसोन जहां से टैक्टिकल रिट्रीट किया, लेकिन ये एक बड़ा मूव था रशिया का, तमाम एक्सपर्ट ये कह रहे हैं। खेरसोन में भी पुतिन को माइनस टेम्परेचर का इंतजार है, हफ्ते के आखिर में पारा माइनस में जाने की आशंका। नीपर नदी के दूसरे छोर पर पुतिन की सेना अभी भी तैनात है। अव्वल तो ये कि पूरा खेरसोन छोड़ा नहीं है, नीपर नदी के किनारे पर टिके हुए हैं। दूसरा ये कि क्या उनको लगता है कि अब बस वो वक्त आने वाला है? वो कहते हैं ना कि आपको किसी पर बड़ी छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे जाना पड़ता है। क्या पुतिन ने वही 2 कदम पीछे लिए हैं ताकि एकदम से यूक्रेन को दबोचे, या यूक्रेन के पास कोई प्लान नजर आता है? ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।